भोजपुरी फिल्म स्टार पवन सिंह की अपनी पत्नी ज्योति सिंह के साथ अनबन जग जाहिर है, लेकिन चुनाव आने के साथ ही ज्योति सिंह अपने पति पवन सिंह के साथ खड़ी दिख रही है। ज्योति सिंह पवन सिंह के लिए चुनाव प्रचार करती हुई नजर आ रही है। काराकाट में चुनावी माहौल को पवन सिंह ने एकदम से टाइट कर दिया है। नॉमिनेशन फाइल करने के बाद जो तस्वीर सामने आई है वो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। पहले तो भीड़ वाली तस्वीर और उसके बाद सभा में पत्नी ज्योति सिंह के साथ पहुंचना चर्चा का विषय बन गया। आपको बता दें कि पवन सिंह ने नॉमिनेशन के बाद एक सभा को भी संबोधित किया। सभा को संबोधित करने से ज्यादा चर्चा इस बात की थी कि इस दौरान मंच पर उनके साथ उनकी पत्नी ज्योति सिंह भी मौजूद रहीं। लोग नीचे से ज्योति सिंह जिंदाबाद के नारे भी लगाते रहे। तो एक माँ और एक बाप का औलाद है, ये आप के बीच में एक भाई और एक बेटे का वादा है। मैं कभी अपने जीवन में यहाँ से नहीं चला हूँ, जो भी काम किया हूँ यहाँ से किया हूँ। भैया जीवन में बहुत धक्का लगा, बहुत चोट लगा, फिर भी दांत लगना ऐसे खड़े हो, किसके पे खड़ा हो पाता हूँ? आपके आशीर्वाद के दम पे। मेरे पास कुछ नहीं है, बहुत कमाता हूँ, आप देते हैं, बहुत कमाया हूँ, बट मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे की संपत्ति नहीं है, बट दुआ की संपत्ति है, इसके लिए मैं जीता। अब सवाल ये उठ रहा है कि पवन सिंह जब चुनाव प्रचार करेंगे तो क्या ज्योति सिंह उनके साथ रहेंगी? क्या ज्योति सिंह पवन सिंह के लिए चुनाव प्रचार करती नजर आएंगी? और अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से पवन सिंह के लिए ये बड़ा फायदा होने वाला है। क्या ज्योति सिंह पवन सिंह के लिए प्रचार करेंगी? कई सारे लोग ये सवाल सोच रहे हैं। लेकिन नॉमिनेशन के ठीक बाद ज्योति सिंह ने मंच पर आकर अपने इरादे जरूर जाहिर कर दिए। वहीं एक बात और स्पष्ट है कि अब पवन सिंह का परिवार एक साथ है। मंच पर न केवल उनकी पत्नी बल्कि उनकी माँ भी थी और कई सारे कलाकार भी मौजूद थे। मैं कभी अपने जीवन में यहाँ से नहीं चला हूँ, जो भी काम किया हूँ यहाँ से किया हूँ। भैया जीवन में बहुत धक्का लगा, बहुत चोट लगा, फिर भी दांत लगना ऐसे खड़े हो, किस्मत पे खड़ा हो पाता हूँ? आपके आशीर्वाद के दम पे। मेरे पास कुछ नहीं है, बहुत कमाता हूँ, आप देते हैं, बहुत कमाया हूँ, बट मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे की संपत्ति नहीं है, बट दुआ की संपत्ति है, इसके लिए मैं जीता। आपको बता दें कि काराकाट लोकसभा सीट से पवन सिंह ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नॉमिनेशन दाखिल किया है। पवन सिंह को इससे पहले बीजेपी ने आसनसोल से टिकट दिया था, लेकिन पवन सिंह ने वहां चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। इसके बाद चर्चा थी कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें बिहार में किसी सीट से टिकट देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और आखिरकार पवन सिंह ने काराकाट से नॉमिनेशन फाइल किया। अब देखना दिलचस्प होगा, एक तरफ जहां एनडीए से आरएलएम के कैंडिडेट उपेंद्र कुशवाहा चुनावी मैदान में हैं, तो वहीं सीपीआईएमएल से राजाराम सिंह चुनावी मैदान में हैं। और इन दोनों के बीच पवन सिंह की एंट्री ने मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। मिनी लंदन मैकलुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आप, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।